नागपुर शहर में G20 के आयोजन के उपलक्ष्य में मनपा अधिकारियों के निर्देश के बाद रास्तों के किनारे गन्ना जूस, शरबत व चाय के ठेले वालों ने अपने सामान को हटाकर एक कोने में रखने के बावजूद भी धर्मपेट जोन के अधिकारी तोटेवार एवं सातपुते ने अतिक्रमण कार्रवाई की, ऐसा आरोप वहां के लोगों ने लगाया है। कार्रवाई के दौरान कई लोगों के बंद ठेले, गैस सिलेंडर, गन्ना, गैस सिगड़ी जब्त की। गन्ना रस पर जीविका चलाने वाले दिनेश जायसवाल द्वारा अतिक्रमण अधिकारियों से फोन पर बात करने पर मनपा वाहन चालक ने जब्त माल मत्ता छोड़ने के लिए 2000 रुपए रिश्वत की मांग की, जिसका ऑडियो क्लिप मौजूद है। परंतु रिश्वत न देने पर सभी जब्त ठेले और जब्त माल मत्ता को गोविंद बोरखेड़े कॉम्प्लेक्स के पास स्थित डंपिंग क्षेत्र में सेमिनरी हिल में फेंक कर उसे JCB से तोड़कर गड्ढा खोदकर जमींदोज कर गैरकानूनी तरीके से नष्ट कर दिया गया है। गरीबी पर इस प्रकार का अत्याचार देखकर समाज सेवी अभिजीत झा द्वारा शिवसेना शहर प्रमुख नितिन तिवारी को इसकी सूचना दी गई। सैकड़ों कार्यकर्ताओं संग सदर तथा गिट्टी खदान थाने में संबंधित मनपा अधिकारियों के खिलाफ मामला दर्ज करने की मांग की गई तथा जोन सहायक वराड़े को, तोटेवार सातपुते तथा चालक को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर जांच बिठाने की मांग की गई, अन्यथा आंदोलन की चेतावनी भी दी गई है। जय हिंद। ये हम खड़े हुए हैं वेटरनरी हॉस्पिटल के पास में, शिवनेरी हिल वेटरनरी हॉस्पिटल के बगल में। ये जो कचरा डंप बना हुआ है, इस कचरे डंप के अंतर्गत ये देखिए, ये गरीबों का गन्ना, ये देखिए इनके ठेले, ये सब मट्टी में दबाए हुए हैं। ये देखिए गन्ना, ये गन्ना, ये माल मत्ता। वो गरीब आदमी जो प्यास बुझाने के लिए गर्मियों में लोगों के लिए रेड़ी पे खड़ा होके, वो रेड़ी वाला, वो नागपुर का गरीब आदमी, वो चाय की टपरी वालों के ठेले, वो गरीब आदमी जो अपनी रोजी रोटी कमाने के लिए सड़क के किनारे में खड़ा होके अपना जीविकापार्जन करने की कोशिश कर रहे थे, शाम कल सदर थाना अंतर्गत जापानी गार्डन और अनेक एरिया से तोतेवार और सातपुरे, ये अतिक्रमण अधिकारी है नागपुर महानगर पालिका के, इन्होंने वहाँ से इनका गन्ना सहित कई माल, हजारों का माल, चाय की टपरी, उनके ठेले सब उठा के लिए। बिल्कुल मंजूर है, अतिक्रमण के तहत आप उठा सकते हो, क्योंकि इनका G20 चालू है। G20 का हवाला देते हुए जहां विदेशों में भारत की तरफ इतनी बड़ी निगाहें देख रही है कि G20 का ऑर्गेनाइजेशन हो रहा है, लेकिन वहां देखो गरीबों के खून के पीछे, गरीबों की गरीबी के ऊपर G20 का तमाशा बताया जा रहा है। उन अधिकारियों ने इस बच्चे को ये गन्ने का जूस लगाता था, इसने रोड के बगल में अपना ठेला अपने गन्ने रखा था, ये तोतेवार और सातपुते नामक अधिकारियों ने इनका अतिक्रमण में माल उठाया, कई गरीबों के ठेले उठाए, और उनके ड्राइवर ने इनको बोला कि मुझे 2000 रुपए की रिश्वत चाहिए, वो रिश्वत लेके आता है तो मैं तेरा माल देता हूँ, क्योंकि मेरे साथ ये दोनों अधिकारी है, तोतेवार और सातपुरे उनके साथ में थे, मुझे पैसा बांटना पड़ेगा। ये गरीब जब उनको रिश्वत नहीं दे पाया, उसके बाद इसने जब अधिकारी से बात किया तो उन्होंने इस कचरा डंप में पूरा सामान लेके आया। ये जो जमीन में खड़ा हूँ, यहाँ उस समय अतिक्रमण नागपुर महानगर पालिका की JCP आई, JCP ने गड्ढा खोदा और ये पूरा माल मत्ता, ये देखिए ये ठेले, ये माल मत्ता, ये देखिए यहाँ एक ठेला है, ये देखिए ये पूरे तोड़ फोड़ के जमींदोज कर दिए गए, ये पूरा गन्ना, और यहाँ जमीन पे मट्टी डाल दी गई। गरीबों के खून पर बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करेंगे। हमारे समाज सेवी की अभिजीत झा ने हमको तुरंत जानकारी दी, परिसर के सभी लोग यहाँ पे मौजूद है और ये त्राही मची हुई है। G20 का जो कारोबार, जो G20 की चमक दमक विदेशों में जो छवि बनाने की कोशिश की जा रही है, यही नागपुर 0 माइल से मात्र 4 किलोमीटर की दूरी पर आपको ये मिलेगा। वो 0 माइल जो आज के अखबारों में अपनी प्रतिष्ठा दिखाने के लिए आज एड में है, उसी 0 माइल के 4 किलोमीटर दूर इस नागपुर की तस्वीर दिखा रहा हूँ, जहाँ G20 हो रही है। तुरंत नागपुर महानगर पालिका आयुक्त से, श्री राधा कृष्णन साहब से मेरी विनंती है, प्रशासन से मेरी विनंती है, आदरणीय एकनाथ शिंदे जी से मेरी विनती है, और नगर विकास मंत्री के रूप में आप रिस्पॉन्सिबल है, तुरंत इन अधिकारियों को तत्कालीन रिश्वत के लिए, और ये जो क्रूरता दिखाई है ये नियम में नहीं है,
आप उस प्रॉपर्टी को गवर्नमेंट ट्रेजरी में सील करते, वो चलान दे के छुड़ाता, नहीं देते वो कोर्ट जाता, ये उसका अपना अधिकार है, लेकिन डिमोलिश करने का अधिकार आपको नहीं है। बिना किसी बोर्ड प्रोसीडिंग के इलीगल तरीके से रिश्वत के चक्कर में आपने ये जो प्रॉपर्टी डिमोलिश किया है, इसके लिए आपके खिलाफ आंदोलन खड़ा होगा। और इस आंदोलन के तहत मैं नागपुर महानगर पालिका के आयुक्त से रिक्वेस्ट करता हूँ, माननीय उप मुख्यमंत्री श्री देवेंद्र जी फडणवीस से रिक्वेस्ट करता हूँ कि तुरंत तत्काल प्रभाव से इन अधिकारियों को निलंबित करे और पुलिस स्टेशन में इसकी शिकायत दी जा रही है, इन पे मामला दर्ज किया जाए। जय हिंद, जय भारत। कैमरा पर्सन राजकुमार मोड़ के साथ अभिषेक पानसी, BCN न्यूज नागपुर।